श्लोक 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 कौन बोलेगा, बोलो कौन श्लोक बोलेगा, किसको याद है, सुना तो सुना। वृणते और बोलो जमे वैसे तेन लभ्य तसै से ठीक है धीरे धीरे रोज रोज ना याद करते हो उसको रोज रोज कोशिश करना, जैसे ऐसे नहीं नए नए याद करते गए और पीछे सब भूलते गए, ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है ना। इसलिए रोज रोज सवेरे उठ करके उसके एक बार रिवाइज कर लो, फिर तो भूलोगे नहीं। और जब 10 दिन हो जाएगा फिर हम कोशिश करेंगे फिर पहले से लास्ट तक बोलने की। गलत जमे वैसे ठीक है, उसको रिवाइज करके आना। हाँ पीछे तुम बोल सकते हो, बोलो आगे, तुम आगे आ जाओ बच्चा, जितने बच्चे आगे आओ। हाँ बोलो श्लोक बोलो, उसको कोशिश करना रोज रोज उसको रिवाइज करने के लिए। आप लोग याद किए हो, आज कोशिश करना, अगर 2 दिन में भी याद कर दो कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन में भी याद करो कोई दिक्कत नहीं, हो सके तो कोशिश करना। रोज आप भी याद किए हो, हाँ आज नहीं किया। और तुम बच्चा पहले तुम्हारा थोड़ा बहुत याद था ना, अच्छी बात। तुम बोलो भावना भाई से ठीक है, रोज रोज उसको रिवाइज करते हैं ठीक है। और बोलो पहले तो याद था ना थोड़ा बहुत। हाँ जमे वैसा जन्म वैसे वृणते विवृणते ठीक। और कोई बच्चे याद किया हो, कौन याद किए, हाथ उठा कौन याद किया, बोलो कौन याद किया हो, हाँ बोलो। कोई बात नहीं, देख देख थोड़ी थोड़ी बोल दो, कोई बात नहीं ठीक है। कल 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 कोशिश करना ठीक है, 2-3 दिन में भी याद हो, कोई शर्म की बात नहीं। देखो ये संस्कृत शब्द है, हैं ये देव भाषा है, थोड़ी सी बोलने के लिए दिक्कत होगा। जैसे अभी धीरे धीरे आदत डालोगे ना, याद करते करते आदत डालोगे, एक दिन देखोगे दिन में 3-4 श्लोक याद करोगे,
अभी जैसे पहले पहले याद कर रहे हो थोड़ी सी कठिनाई लग रहा है, बाद में फिर कठिनाई नहीं एकदम इजी हो जाएगा, तो झटा झटी याद हो जाएगा है अच्छे तरह। बोलो आप तुम्हारे पास में जो बैठी हो याद किए हो ठीक है, कल कल बोलना ठीक है, और आज बोलो ना बहुना बहुना सुनते ना ठीक ठीक कल कल याद करना ठीक है, आज कोशिश करना याद करने के लिए कल बोलने के लिए ठीक है, कोई बात नहीं शर्म करने का कोई बात नहीं, दो तीन दिन में याद हो जाएगी बहुत बड़ी चीज़ है ठीक है। और हाँ देखो ये जो श्लोक है ये वेद का मंत्र है, ये उपनिषद का श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है, एक एक जो श्लोक याद कर रहे हैं ना इसका कीमत अरब खरब रुपया है, इतने इसकी कीमत है, एक एक ये सब वेद का मंत्र है ये सब के सब है। और जो वेद मंत्र क्या भगवान के मुंह से ये सब वाणी ठाकुर जी को मुंह से ये सब निकला है हैं, देखो इसका मतलब क्या बोले न अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, अगर कोई व्यक्ति सोचे हमें बहुत सुंदर हमें प्रवचन करना आता है, बड़ा सुंदर हमें कथा सुनाता है, इसको द्वारा हमें आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाए, हमें भगवान इसको द्वारा मिल जाए मिलने, इसको द्वारा भी भगवान मिलने वाले नहीं, इसलिए जगत में देखोगे बड़े बड़े पंडित पड़े हुए हैं, धुरंधर पंडित संस्कृत के इतने विद्वान हैं, इतने विद्वान हैं संस्कृत को जो सोच नहीं सकते हैं, जैसे हमारे चैतन्य भागवत में आप लोग सुने होंगे महाप्रभु कैसे केशव काश्मीर को परास्त किया, कि जो केशव काश्मीर था इसने माँ सरस्वती मंत्र की उपासना करते करते सरस्वती को उन्होंने वशीभूत कर दिया, माँ सरस्वती इसको जुहा में बैठ करके बोलती थी, हे जब श्लोक बोलता था आंधी तूफान जैसे, कोई याद किया हुआ श्लोक नहीं बना बना करके, क्यों माँ सरस्वती स्वयं जिसकी जुहा पर सरस्वती बैठी हुई थी हैं, इसलिए इतने बड़ा विद्वान था हैं, लेकिन काम क्या करता था दूसरों को परास्त करना और विजय प्राप्त करना, सारा दुनिया को उन्हें जय करते करते आए, लेकिन जब महाप्रभु के पास में आ गई ना, महाप्रभु तो भगवान है, उन्होंने बात बात में उन्होंने परास्त कर दिया, एकदम मुंह नीचा हो गया, कितने गाजे बाजा के साथ में जब चलता था, जिन जिनियों को परास्त किया था सबके सब उसको चेले बन जाते थे, गाजे बाजा के साथ में चलता था, लेकिन जब महाप्रभु बात बात में परास्त कर दिया तब उन्होंने सरस्वती मंत्र को जप करते करते सो गए, लगता है मैया मेरे ऊपर नाराज है, सरस्वती स्वयं प्रकट होती बोले बेटा आज तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सार्थकता हो गया, क्यों आज जिससे तुम मिला है ना वो मेरे पति है, वो गौर नारायण है, वो कोई जीव नहीं गौर नारायण ये भगवान है बेटा, आज तुम्हारी पढ़ाई सार्थकता हो गया है। जब फिर महाप्रभु के पास में जब गए बोले जाओ उनके चरण में शरणागत हो जाओ, फिर महाप्रभु खुद कहते हैं बोले विद्या पढ़े के ना पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं, बोले कृष्णा भक्ति जाने भगवान को भक्ति को जानने के लिए, बोले यदि सजद ही ना करे यदि अगर पढ़ाई लिखा करके भगवान की भक्ति को नहीं जान पाए बोले विद्या की करे, वो विद्या कौन सा काम में आएगी, क्योंकि ये देह छाड़िया चली ले जब ये शरीर छूट जाती हैं सारे डिग्री फिग्री विद्या सब यहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा, कोई विद्या विद्या नहीं जाएगा, और अंतिम समय में क्या मिलेंगे, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोल गत्य है सब कोई बात उठा, ये बोलते हैं ना बेटा जितने तुमने कृष्ण नाम की विद्या तुमने पढ़ी है, जितने राम का और कृष्ण का नाम जितना दिया वही जा रहा है, क्योंकि सिवाय तेरे साथ में कोई भी जा नहीं रहा है, इसलिए कहते हैं न अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, कहते प्रवचन के द्वारा हम भगवान को जान नहीं सकते और प्रवचन के द्वारा वो आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं कर सकते, न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया,
अगर कोई सोचे अरे हम साधारण व्यक्ति, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास में इतने सारे डिग्री, हमने इतने सारे लिखाई पढ़ाई किया है, हैं इतने सारे, उद्धव जैसे व्यक्ति, उद्धव इतने बड़े विद्वान उद्धव जी थे, इसी दुनिया में उसको पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं मिला, क्योंकि ऐसे प्रश्न करता था टीचर ही नहीं समझ पाता था ये बोलता ही गया। फिर उसको स्वर्ग में जाना पड़ा, बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति को पास में उनने सारे विद्या को अध्ययन किया, सारे विद्या अध्ययन किया, लेकिन ये सारे विद्या तो पढ़ करके आया, लेकिन एक पाठ उसको बाकी भी रह गया। बोले कौन सा पाठ? बोले भक्ति की पाठ और प्रेम का पाठ नहीं करे। इसलिए कृष्ण उनको कहाँ भेजे, इनको बोले जाओ वृंदावन में जाओ, वहाँ पर एक विद्यालय स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल वो स्वयं किशोर राधारायण, और उसका जो प्रोफेसर है ना ये ललिता विशाखा चंपक लता तुमको विद्या सब सखिया वहाँ की प्रोफेसर है, एक बार वो विद्या पढ़ कर तू आ। लेकिन जब उद्धव जी गए विद्या वहाँ पर ना, बोले उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाई डुगडुग की बाजे प्रेम की, उनकी भक्ति देख करके ब्रज गोपियों की भक्ति प्रेम देख करके उद्धव जैसे, उद्धव मतलब क्या, उद्गत तमह जस्य, जिससे संपूर्ण तम निकल गया, जो विशुद्ध सत्व है एकदम शुद्ध है, जिसका अंदर में कोई अविद्या नहीं, जिसका पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ऐसे उद्धव ही सीधा हो गया वहाँ जाकर के गोपियों की पाठ पढ़ कर सीधा हो गया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ना मेधया, अगर कोई सोचे हम बड़े इंटेलिजेंट हैं भगवान को समझ लेंगे, भैया वहाँ पर इंटेलिजेंट कोई काम नहीं करेगा। इसलिए भगवान को कहते हैं अध्यक्षज्ञ, क्या कहते हैं अध्यक्षज्ञ, अध्यक्षज्ञ मतलब क्या, अध्यक्ष मतलब होता है ये जड़ इंद्रियां, अध्यक्ष मतलब उसका नीचे करके उसको ऊपरी जो विद्यमान, मतलब हमारा बुद्धि जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता है, हैं ना मेधया, बोले ना बहुना सुनते ना। अगर कोई सोचा हम तो दिन भर सुनता रहता हूँ, हम दिन भर सुनता रहता हूँ, उससे क्या मिलेगा, बोले उससे भी नहीं मिलने वाले, उससे भी नहीं मिलने वाले। बोले फिर आप कह रहे इसमें नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा कैसे, बोले जब मैं बैस वृणुते तेन लभ्य, भगवान जब कृपा करके किसी व्यक्ति को वरण करे, भगवान इसको स्वीकार करे, भगवान इसको ग्रहण करे। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी सही जाने जा रहे देहु जानाई, उसको कौन जान सकते हैं, बोले वो कृपा करके जिसको वो खुद जनाते हैं, जिसको वो खुद जनवाते हैं वही व्यक्ति उनको जान सकते हैं, जिसको वरण वरण करे, नहीं तो उनको कोई भी नहीं जान सकते। इसलिए ब्रह्मा जैसे व्यक्ति और हम जैसे व्यक्ति की बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति वो भी चकाचौंध बढ़ गए, ब्रह्मा स्वयं कहते भैया मेरे तो चार सर तरह थे एक सर, तुम तो जीव में तो जगत को सृष्टि करने वाले, भैया मैं भी वो ब्रह्म को नहीं पहचान सका, मैं भी उनको जान नहीं पाया। इसलिए कहते मुई हन दी जा तो सूर्य हैं, कहते मुई हन दी जा तो सूर्य, कहते जिनकी माया में बड़े बड़े देवता लोग भी जहाँ पर मोहित तो हो जाते हैं, जहाँ पर इंद्र स्वर्ग का राजा देवताओं का राजा वो भी भगवान को नहीं समझ पाए। उसने क्या किया, बोले पूरा ब्रज को मैं सत्यानाश कर दूंगा, 7 दिन तक बारिश बरसाया। और कृष्ण ने क्या किया, कनिष्ठ अंगुल में श्री गिरिराज बाबा को धारण कर दिया, बोले गिरिराज महाराज की जय, जोर से बोलो, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। इसलिए उन्होंने गिरिराज को, कृष्ण ने गिरिराज उठा लिया, बाद में इंदिरा आकर के बड़े माफी मांगे ठाकुर को चरण में, हैं ब्रह्मा भी नारद भी नहीं समझ पाए, देवता लोग नहीं समझ पाते जिनकी माया इतने दूर है, लेकिन कहते ज्ञानी से ज्ञानी नहीं समझ सकते, लेकिन एक मूर्ख से मूर्ख भी समझ सकते, एक अज्ञानी से अज्ञानी भी समझ सकता है। सबरी जैसे देखो कहाँ भीली जाती के भील है, भील जाती की जो अपवित्र रहने वाली, लेकिन वो प्रभु राम को समझ गया, विदुर जैसे समझ गया, लेकिन जिसको कौन नहीं समझ, दुर्योधन जैसे समझ नहीं पाया जिनको, लेकिन विदुरानी जिनको समझ गई, बड़े बड़े ज्ञानी रावण जैसे ज्ञानी जिनको समझ नहीं पाए, लेकिन विदुरानी जिनको सबर जिनको समझ गई, कहते अज्ञानी से अज्ञानी
उनको समझ सकता है, कब समझ सकता है? अगर तुम्हारे हृदय निष्कपट हो, हृदय में कोई कपटता नहीं, सचमुच से तुम ठाकुर जी के चरण में तुम शरणागत व्यक्ति हो, ठाकुर की भक्ति करते, हृदय तुम्हारी साफ सुथरा है। इसलिए कृष्ण को कृष्ण बंसी की क्यों बजाते हैं? इसमें दो गुण है। पहला गुण तो बंसी के अंदर में खोला, एकदम खोला है, अंदर में कुछ है ही नहीं। दूसरा है कृष्ण जैसे चाहते वो बजती हैं, वैसे बजती हैं, हैं। अगर ये सब गुण आ जाए ना, इसलिए कहते भगवान जिनको स्वयं जनवाते हैं, हैं, कहते वही व्यक्ति ही भगवान को जान सकते हैं। तस्य स आत्मा द्रिगुणते तनुस्वाम, भगवान उसी व्यक्ति को पास में अपना स्वरूप को ठाकुर जी प्रकाश करते हैं। और देख रहे हो श्लोकों का कितना बढ़िया बढ़िया मीनिंग है, कहीं मीनिंग अगर इसलिए कहीं उदाहरण देना होता है ना, जैसे भगवान की कथा बोलना, उदाहरण देना, अगर ये श्लोक जिसको जितने अच्छे श्लोक याद होगा उतना भगवान के बारे में अच्छे तरह से भगवान के बारे में भी आप बोल सकते हो और भगवान के बारे में भी आप समझा सकते हो। इसलिए इसका जो एक एक जो श्लोक है वेद का ना, अद्भुत 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 ये ग्रंथ है। इसलिए कोशिश करके जी कि गुरु तत्व जो जैसे कर रहे हैं ना, जब गुरु तत्व ये करके उसमें जो मैंने मैंने श्लोकों का आप भी याद कराएंगे, जब पूरा ये गुरु तत्व समाप्त हो जाएगी फिर इसको ऊपर में पूरे ये गुरु तत्व के ऊपर फिर आपको बुलवाएंगे। आप लोग देखोगे रोज़ रोज़ अगर आप कोशिश करोगे एक एक श्लोक का, दो दिन में आप देखोगे एक महीना में आपके अंदर में कितने शास्त्र की कितने तत्व ज्ञान आपके हृदय में आ जाएगा, आप स्वयं भी सोच नहीं सकते हो। इतने शास्त्र को बाहर में आप इतने अच्छे तरह से समझ सकते हो। अभी तो पता नहीं चल रहा है, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है ना, पहले पिता माता शासन करते हैं, सवेरे उठ एग्जाम आ गया पढ़ो, बच्चा उठना नहीं चाहते हैं, लेकिन पिता माता क्या करते हैं, जोर जबरदस्त उठा उठा कर पढ़ाता है, एग्जाम आ गया। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ कर के जब इंजीनियर डॉक्टर पीएचडी सीए बन जाता है, जब बैठ बैठे पैसा कमाता है ना, फिर सोचता है भैया कितने शासन करते थे, पिता ने किसी ने डांट लगाया करते थे, जब बैठ बैठ कर पैसा कमाते हैं तब उसको पता चलता है पिता माता का हमारे ऊपर जो शासन है हमारे लिए कितने कल्याणदायी थे। हैं अभी आपको लगेगा अरे क्या रटते नया आत्मा प्रवचन मतलब नया आत्मा प्रवचन मतलब ऐसी रटते रटते है ना, कष्ट लगता है, जब फल मिलेगा ना बैठ बैठ कर खाओ फिर चिंता है। ठीक है बस वृंदावन बिहारी लाल की पिता गौर ब्रह्मानंदे कौन बोलेगा, क्षमा तुम आ जाओ तुम्हारे नंबर नहीं आ रहा, आ जाओ हाँ आ जाओ तुम आ जाओ, सब लोग थोड़े थोड़े बोलो। हरे कृष्ण, आप लोग जो सब श्लोक याद कर रहे हैं ना इसमें सब जा रहे हैं, मेरे पास में बहुत लोगों ने फ़ोन किया, विदेश से भी फ़ोन आया, बोले महाराज जी आपको तो बच्चों को सुंदर सुंदर कथा सुना रहे, कल ये बच्ची कथा सुना रही थी ना, ये बच्ची मेरे पास में फ़ोन आया कथा आपको पास में छोटे छोटे बच्चे अच्छे से सुंदर कथा सुना रहे। आज जगन्नाथपुरी में हमारे एक बड़े गुरु भाई एक महाराज है, वो मठ का इंचार्ज मुनि महाराज है, आज मैंने उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने देखते हैं ना इसमें बहुत ये ऑस्ट्रेलिया जाता है, रसिया में जाता है, ये सारा दुनिया में जाता है। आप लोग जो श्लोक याद कर रहे हो ना, जो कथा सुनाते हो सारा दुनिया में ये जा रहा है। हैं मेरे को महाराज जी बोल रहे थे, बोले आप तो बड़े सुंदर छोटे छोटे बच्चों को बड़े सुंदर सिखा रहे हो, क्योंकि नोएडा में एक ये हमारे गुरु का शिष्य मेरे शिष्य है, कहते मैं वहाँ आना चाहता हूँ। बोले क्यों, बोले आप बच्चों को तो श्लोक सिखाते हो, बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाते, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर सुंदर कथा सुनाते, इसलिए आपकी सब जा रहे हैं इसमें जो कथा सुना रहे हो सारा दुनिया देख रहे हैं तुम लोगों को। जब भविष्य में हमारा जो चैनल खोलेगा ना सब तुम लोग आओगे उसमें इधर कर, तो बंद होने वाला वो भी चल होने वाला कुछ दिन, जो बंद हो गया चल होने वाला कुछ दिन काम चल रहा है। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयालु प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव शांति शिवोद भक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।
पहले गुरुपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत गुरु महाराज चरण शासन गलत प्रणाम करके उनके हरेक भी कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव पर नेत्रिराव प्रविष्ट ओम विष्णुपाल अष्टोत्तर भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी नेत्रिराव प्रविष्ट ओम विष्णुपाल अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी चरण शासन गलत प्रणाम करके हरेक भी कृपा वांछा करता हूँ। रूपानु गुरुपाद प्रभु सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर जीवन किशोर राधा गोविंद जीव सपरिकर जगन्नाथ गोविंदन जीव सपरिकर सुभाष जय जगत गुरु गोपाल के चरण साधन प्रणाम करके उनका हृदय की कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित सत्यक गुरुगाथा वृंद वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद भक्त वृंद चरण प्रणाम स्वीकार। कुछ दिन पहले हमने गुरुदेव की आज्ञा से ही जो चैतन्य चरितामृत का जो मूल रत्न है श्री राय रामानंद संवाद श्री रामानंद राय जी और श्रीमन महाप्रभु के बीच में जो वार्तालाप हुआ था और जिसको हमने भूमिका में श्रवण किया उसके भूमिका में हमने श्रवण किया कि इसी को श्रवण मात्र से ही क्या होता है जीव के हृदय में कृष्ण प्रेम राधा प्रेम राधा तत्व कृष्ण तत्व रस तत्व ये जो चार तत्व यहाँ पे गुरुदेव उल्लेख कर रहे हैं विशेष करके ये आनुषंगिक रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इसके जो प्रथम श्लोक है श्लोक से पहले कुछ और भी गुरुदेव यहाँ पे भूमिका में लिख रहे हैं और बंगला ग्रंथ में भी और कुछ कुछ विशेष बात बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन ही ख़त्म नहीं हुआ है ग्रंथ शुरू कब होगा बता नहीं। तो इसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने श्रीमन महाप्रभु कौन है साक्षात राधा कृष्ण और राय रामानंद जी कौन है ये विशाखा सखी। तो ये विशाखा सखी देखते हैं सखीगण देख रहे हैं कि किस प्रकार जुगल कृष्ण किस प्रकार कृष्ण वात्सल्य के साथ मतलब नंद बाबा यशोमती के साथ किस प्रकार का उनका भाव है किस प्रकार कृष्ण के सुदाम मधुमंगल आदि सखाओं के साथ भाव है किस प्रकार शांत भाव में सेवा करते हैं ब्रज के जितने भी लता पता और जितने भी ब्रज के पत्थर आदि जितने भी सब मयूर सुख सारी इत्यादि और जो दास्य भाव में सेवा करते हैं नंद बाबा यशोमती मैया के नंद महल में जो रहने वाले जो नौकर चाकर इत्यादि सब कृष्ण को किस भाव में सेवा करते हैं और सब भाव को विशाखा सखी जानते हैं फिर भी उसको ऊपर जब एक एक भाव को बता बता के जब एक एक क्रम क्रम को विशाखा सखी मतलब रामानंद राय ने बता रहे हैं स्वयं महाप्रभु को स्वयं कृष्ण को ही अपने बात बता रहे हैं और जैसे ही वहाँ पे फिर गोपियों का भाव जो मधुर भाव को बताया उस मधुर भाव में भी जब सर्वश्रेष्ठ जो सर्व गोपेश सेविता राधा अत्यंत वल्लवा जो राधा रानी के जो सर्वश्रेष्ठ जो मधुरिमा और उसमें भी जो महाभाव है उसको वर्णन करते ही जिस प्रकार महाप्रभु की दशा हुआ जिस प्रकार कृष्ण की दशा हुआ जिस प्रकार राधा रानी की दशा हुआ उसको देख के विशाखा सखी सहन नहीं कर पाए रामानंद राय सहन नहीं कर पाए तो रामानंद राय वहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं स्वयं रामानंद राय वहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो श्रीमन महाप्रभु यहाँ पे रामानंद राय को अपने हाथ से उठाते हैं। देखो ये जो रामानंद राय मूर्छित होते ना यहीं से रामानंद राय के मूर्छित ही वास्तव में यहाँ से शुरू होता है क्या राय रामानंद संवाद किस प्रकार रामानंद राय मूर्छित होते हैं वास्तव में जो तत्व। तो इसमें बता रहे हैं कि रामानंद राय जैसे ही मूर्छित हो जाते हैं स्वयं महाप्रभु उनको उठाते हैं उठा करके अंगीकार करते हैं और स्वयं महाप्रभु को भाव को वो साक्षात रूप में दर्शन करते हैं और जैसे ही घोषणा करने लगते हैं कि अरे आप तो महावदान्य हो आप तो साक्षात कृष्ण हो आप तो राधा रानी के हो कौन अंग कांति को ग्रहण करके स्वयं ही कृष्ण आप कलिकाल में सचिदानंद गौर हरि के रूप में आए हो तो इसी बात को जैसे घोषणा करने जा रहे तो महाप्रभु उनके मुख पे हाथ रखते हैं बोलते हैं किसी को ये बात नहीं बताना है किसी को ये चीज़ नहीं बताना है। तो रामानंद राय को आदेश देते हैं कि आप कृपा करके क्या करो पूरी में मैं यहाँ दक्षिण में उद्धार करने के लिए आया हूँ दक्षिण यात्रा करने के लिए आया हूँ अब आप यहाँ से घर वाले छोड़ के विषय त्याग करके आप पूरी चले जाओ और वहाँ पे ही आप हमारे साथ निकुंज में जो गंभीरा है वहाँ पे आप इस रस का आस्वादन करना। तो रामानंद राय को तो इस प्रकार का श्रीमन महाप्रभु आदेश देते हैं। फिर इसके पश्चात
जो श्रीमद् महाप्रभु जिस भाव को रामानंद राय ने पता चल गया कि ये साक्षात कृष्ण है, सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखा दिया श्रीमद् महाप्रभु कि क्या सर्वज रूप में, उनको भी पता चल गया ये ठाकुर है, स्वरूप दामोदर बोलना चाहते हैं, सब जानते हैं हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु ये सब जानते हैं कि महाप्रभु भगवान है, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। क्यों बोल नहीं पा रहा है? क्योंकि महाप्रभु का आदेश है कि किसी को बताना नहीं। एकमात्र रूप गोस्वामी जिन्होंने मुक्त स्वर से महाप्रभु को, जैसे ही प्रयाग में प्रभु जी बता रहे थे ना चिराग पूज चिराग प्रभु की रस रूप रस रूप शिक्षा में, जैसे भी वहाँ पे अंतिम में बोलते हैं कि नमो महावदान कृष्ण प्रेम बधाए थे कृष्णा कृष्ण चैतन्य नाम गोर थे नमो, इस श्लोक में जैसे ही महाप्रभु के बारे में बताते हैं महाप्रभु आप साक्षात भगवान हो, तब महाप्रभु रूप गोस्वामी के मुख पे हाथ नहीं डोलते। तो किस प्रकार रूप गोस्वामी श्रीमद महाप्रभु के हृदय में प्रवेश किए, यद्यपि सारे के सारे महाप्रभु के पार्षदगण, जितने भी सारे महाप्रभु के पार्षदगण सब सखी हैं, वो सखियों का प्रवेश नहीं हुआ, लेकिन जो मंजरी हैं, जो रूप मंजरी हैं, वो किस मात्रा में निकुंज में प्रवेश करते हैं, किस मात्रा में महाप्रभु के हृदय में प्रवेश करते हैं, किस मात्रा में कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते हैं, ये हमारे गौड़ीय मठ का वैशिष्ट्य है। जो रूपानुगत्य हम कहलाते हैं ना, जो रूप गोस्वामी के आनुगत्य में जो रूपानुगत्य कहलाते हैं, तो वो जो श्रीमद् महाप्रभु मंजरी भाव देने के लिए आए, तो उसी मंजरी भाव को किसी मात्रा में रूप गोस्वामी के, रूप गोस्वामी ने श्रीमद् महाप्रभु के हृदय में प्रवेश करके उसी भाव को जाना और उसी भाव को रूप गोस्वामी ने दिया। तो इसमें बता रहे हैं गुरुदेव, देखो एक बात को समझने वाली बात है, ये रूप गोस्वामी कौन है नित्य जगत में, कौन है? श्री रूपमंजरी है। तो ये रूपमंजरी नित्य जगत में कृष्ण का सेवा करते हैं, जहाँ पे सखियों का प्रवेश नहीं वहाँ पे मंजरियों का प्रवेश होते हैं, छोटे छोटे मंजरी 10-11-12 साल का मंजरी का वहाँ प्रवेश हो जाता है, तो जुगल सेवा को ये पूरा पूरा आस्वादन करते हैं, हर प्रकार से सेवा करते हैं, लेकिन वो कोई बताने वाला था क्या किस प्रकार जुगल का सेवा होता है? वो कोई रूप मंजरी आके नहीं बताएंगे, उनका भी मर्यादा है, वो नहीं बताएंगे। एक बृहत कौन सा एक ग्रंथ में श्री सामानंद प्रभु नित्यधाम वाले सामानंद प्रभु कनक मंजरी उनके जब बात आता है तो वहाँ पे मंजरी गण भी आते हैं, वहाँ पे विस्तृत रूप में बोलते हैं मंजरी गण भी आते हैं, लेकिन वो भी उनको बोल नहीं पाते सामानंद प्रभु को, तो रूप मंजरी कभी नहीं बताएंगे अपने जो किस प्रभाव भाव में सेवा करते हैं, रूप मंजरी कभी नहीं बताएंगे। वही रूप मंजरी जब श्रीमद् महाप्रभु के अवतार में महाप्रभु के लीला को पुष्टि करने के लिए रूप गोस्वामी बन के आते हैं, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के मिलित तनु हैं और किस प्रकार के महाप्रभु के हृदय में प्रवेश किया जा सकता है और किस प्रकार का सेवा भावना, किस प्रकार का सेवा वैचित्र विशिष्टता, ये सब बताते हैं वो रूप गोस्वामी। तो इसमें बता रहे हैं कि जो रामानंद राय भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि साक्षात विशाखा सखी है। अब जैसे ही मूर्छित होते हैं तो महाप्रभु उसको उनको उठा करके एक बात वहाँ पे स्पष्ट करते हैं, कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन क्या दे रहे हैं कि केवल मात्र गोपी भाव से गोपियों का चरण कमल का आश्रय करके जिन्होंने कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए इच्छा किया है, ये बात को समझो, केवल गोपियों का आश्रय ग्रहण करके जिन्होंने ब्रज गोपियों का ब्रजवासियों का आश्रय ग्रहण करके कृष्ण को प्राप्त करने के लिए चाहा है, कृष्ण उनको ही प्राप्त होते हैं। इसी बात को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मध्य लीला के नवम परिच्छेद में बता रहे हैं कि श्रीमद् महाप्रभु जिस समय वेंकट भट्ट से मिले ना, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि लक्ष्मी तपस्या करते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो महाप्रभु हंसके हुए बोलते हैं कि अरे तुम्हारे लक्ष्मी तो नारायण का साध्य शिरोमणि है और नारायण के बक्षस्थल पर विराजमान करते हैं, इतने ऐश्वर्य लक्ष्मी है, सोने चांदी में आभूषण है, और हमारे गोचारण हमारे कृष्ण कौन है ना, गोप गोचारण गाय चराने वाले खुले पैर में क्या करते हैं वन में भ्रमण करते रहते हैं और गोपी गोपाल का उच्छिष्ट भी ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके क्यों संगम करने के लिए उनके साथ मिलने के लिए लक्ष्मी देवी इतना उत्कृष्ट क्यों हो जाते हैं, इतने ऐश्वर्यवान जो लक्ष्मी ओ हमारे कृष्ण को मिलने के लिए इतना उत्सुकता क्यों होता है उनके हृदय में कि आके तपस्या करने लगते हैं। तब इसी बात को उदाहरण देते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे तो वेंकट भट्ट बोल रहे हैं कि लक्ष्मी तो इसी प्रकार का भट्ट कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप कृष्ण अधिक लीला दैविध्य विरूप,
कि गोपाल वेंकट भट्ट गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण और नारायण तो एक ही हैं, और जो नारायण है वही तो कृष्ण है, और जो कृष्ण है और नारायण में डिफरेंस तो कुछ भेद तो है नहीं, तब तो शक्तिगत। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वो लक्ष्मी इसमें आके अगर कृष्ण के संगम के लिए इच्छा करते हैं तो उसमें कौन सा बड़ी बात है। तब महाप्रभु बोलते हैं कि देखो लक्ष्मी भी तपस्या किया, एक बार लक्ष्मी भी तपस्या किए, श्रुति शास्त्र आदि तपस्या किए, और सारे के सारे श्रुति शास्त्र तपस्या करने के बाद भी कुछ कुछ श्रुति शास्त्र, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बात बता रहे हैं कि कुछ कुछ श्रुति शास्त्र और गोपी शरीर में प्राप्त होके कृष्ण को सेवा करने लगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि लक्ष्मी के न ना पाई लो यार के कारण तप करे किछि कैसे कृष्ण पाई लो श्रुतिगण, कि लक्ष्मी क्यों नहीं पाया तो तपस्या करके, तो कुछ श्रुतिगण मतलब कुछ शास्त्र और कुछ जो तपस्या करके, वो कुछ लोग ऐसे हैं कि एक साथ में ही तपस्या किए, लेकिन लक्ष्मी तपस्या के उन्होंने नहीं, उनको नहीं मिला लेकिन इनको भी मिल गया। तब वो जब वेंकट भट्ट बोलते हैं प्रभु आप ही बताओ, तब वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु इसी भाव को पुनः वहाँ पे प्रकाश स्वयं बता रहे हैं कि श्रुतिगण गोपीगण अनुगत हया ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लया बाह्यांतरे गोपी देह ब्रजे जे वे पाइल से देहे कृष्ण संगे रास क्रीड़ा कैल। श्रुतिगण इन्होंने क्या किया, लक्ष्मी जी के लक्ष्मी ने भी तपस्या किया और श्रुतिगण भी तपस्या किए, लेकिन इनमें उदाहरण डिफरेंस ये है कि लक्ष्मी गोपियों का आनुगत्य में तपस्या नहीं किए और श्रुतिगण गोपियों का आनुगत्य में तपस्या किए। लक्ष्मी का स्वयं अभिमान है, लक्ष्मी इतने ऐश्वर्यमयी है तो उनका स्वयं अभिमान है कि मैं भाई क्यों एक क्या गौड़ मतलब एक ग्वाले के घर में मैं क्यों ग्वाले के घर में जन्म लूँ। ये लक्ष्मी का अभिमान है, मैं इतना ऐश्वर्यमयी वैकुंठेश्वरी मैं क्यों एक ग्वाले के घर में जन्म लूँ। लेकिन श्रुतिगण गोपियों के भाव में सेवा करते हैं, इसलिए श्रुतिगण को गोपियों के चरण धूलि यानी उनको जो ग्वाले के घर में जन्म लेने से उनको कोई भी हिचकिच नहीं हो रहा है, लेकिन लक्ष्मी जी को हो रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो श्रुतिगण तपस्या किए थे गोपियों के आनुगत्य में उनको ही क्या हुआ कि ये गोपी का शरीर प्राप्त हुआ, वो गोपी के ग्वाल वालों के घर में पैदा हुए और कृष्ण के साथ वो मधुर मधुर रास लीला कर पाए। तो यहाँ पे उसके पूरा स्पष्टीकरण कर रहे हैं अगले वाले पेयर में कि गोपी जाति कृष्ण गोप प्रिय सीता हार देवी बाप अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। कृष्ण का प्रिय से कौन है, बोल रहे हैं कि गोपी जाति, गोपी जो जात है वो तो कृष्ण अत्यंत प्रिय है, कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अन्य स्त्री कोई दूसरे देवी देवता इसको कृष्ण ना करे अंगीकार, इसको कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे। लक्ष्मी अगर गोपियों के चरण धूलि प्राप्त करने के लिए अगर तपस्या करते हैं और गोपी लोग उनको कृपा कर देते हैं, और लक्ष्मी का अगर स्वाभिमान होता कि मैं गोपी घर में पैदा होकर कृष्ण की सेवा करता तब हो पाता, लेकिन लक्ष्मी इतने ऐश्वर्यमयी है तो उनमें वो बोले मैं भाई गोपियों के चरण धूलि प्राप्त नहीं करूँगा और मैं गोपियों के आनुगत्य में भजन नहीं करूँगा। तो इसीलिए लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ। लक्ष्मी चाहे से ही देहे कृष्ण रसंगम, लक्ष्मी चाहे से ही देहे, लक्ष्मी अपने शरीर से ही क्या करते हैं कृष्ण को संगम चाहते हैं, लेकिन कृष्ण तो गोपी प्रिय सी, जब ये गोपी बनेंगे तभी तो कृष्ण उनको प्रिय सी बन पाएंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि गोपी का अनुगा हया ना कोई लव भजन, गोपी का अनुगत करके इन्होंने भजन नहीं किया लक्ष्मी जी ने। तो इसीलिए लक्ष्मी अभी भी क्या करते हैं बेल वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए हम ब्रज में जाते हैं तो वहाँ पर तपस्या करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार, बस इसका श्लोक आज शुरू ही कर एक श्लोक ही बोल देता हूँ। तो इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु यहाँ पे गुरुदेव का भूमिका का ये अंतिम वाला लाइन है, गुरुदेव बता रहे हैं कि कंक्लूजन में कि गोपियों का ही केवल चरणाश्रय करते ही रूपानुगत्य भजन करते ही केवल कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सकते। तो जो विशाखा सखी मूर्छित हो गए ना उनके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, देखो ये राय रामानंद संवाद का जो पहला श्लोक इसमें बता रहे हैं कि संचार्य रामाधिय भक्त मेदे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानी गौराभिरते यमुना वितीर्णम ज्वला रत्नलयम भयाति। इसका साधारण अर्थ सुन लेते हैं, इसका साधारण अर्थ बता रहे हैं कि जिस प्रकार बारिश होता है तो बारिश का पानी सीधा के सीधा समंदर में आता है,
पुनः समुद्र का जितना भी पानी है वो क्या होता है, क्षार होता है, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो वो समुद्र का पूरा पानी सूर्य के द्वारा बाष्पीकरण होता है और उसको एटमोस्फेयर में जाके उसमें मेघमाला प्रस्तुत होते हैं और मेघमाला से जो पानी गिरता है वो मीठा होता है और वो पूरा समंदर में गिरता है। तो इस प्रकार का एक साइकिल होता है, समंदर से बाष्पीकरण होकर सूर्य के द्वारा ऊपर जाते हैं, ऊपर मेघमाला में फिर सुंदर सुंदर मीठा पानी होता है, फिर समंदर में गिरता है। तो इसी प्रकार समुद्र में जब स्वादि नक्षत्र में ये बारिश होता है मेघमाला से, तो समुद्र के बीच में जो सीप रहते हैं, जो कुछ कुछ विशेष मछली रहते हैं, तो उनके मछली क्या करते हैं कि वो पानी को जैसे ही आस्वादन करते हैं तो उनके आँख से मोती निकलता है, उनके आँख से मोती और माणिक्य निकलता है। तो इसी कारण वशत समुद्र क्या होता है, रत्नाकर कहलाता है। रत्नाकर मतलब उसके अंदर पूरा पूरा रत्न भरपूर है। रत्नाकर बनने के लिए समुद्र खुद ही कारण है, क्यों, समंदर से ही पानी ऊपर जाता है और ऊपर से जब गिरता है, अब नक्षत्र स्वादी हो तो उसमें पूरा रत्न बन जाता है, तो समुद्र ही खुद कारण है। तो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं, इसका पूरा अर्थ सुनेंगे कल, तो इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु उसी प्रेम रस का पूरा समुद्र है और ये रामानंद राय कौन है, ये मेघ स्वरूप है। अब श्रीमन महाप्रभु यहाँ पे समंदर है और ये रामानंद राय मेघ स्वरूप है। तो समंदर से जिस प्रकार बाष्पीकरण करते हैं और ऊपर मेघमाला में जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु ही संचारित है। यहाँ पे पहले श्लोक में बजे संचारित, श्रीमन महाप्रभु ही अपने सारे रस को रामानंद राय के हृदय में संचारित कर दिया, जैसे बाष्पीकरण हो गया। अब जैसे ही रामानंद राय से वो जो बाष्पीकरण जो भाव है, वो जो पूरा पिघल के जब निकलता है, जो महाभाव होके जब श्री राय रामानंद ने श्रीमन महाप्रभु को बोला, तो वास्तव में रत्नाकर कौन बन गए, श्रीमन महाप्रभु। तो इसी भाव को देख के यहाँ पे बता रहे हैं कि रामानंद राय ने मूर्छित हो गए, किस प्रकार इनके जो करुणा, किन प्रकार इनके दया को देख के रामानंद राय मूर्छित हो गए। इसके ऊपर गुरुदेव का भी टीका है और श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके ऊपर एक टीका लिखा जिसका नाम है अमृत प्रवाह वृष्टि, और इसके ऊपर बहुत सारे व्याख्या है, इसको आगे श्रवण करेंगे। जो रायराम का सरदार आप लोग सुन रहे हो, थोड़ी सी आपको थोड़ी कठिनाई लगी यार, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हमारी संप्रदाय का एक बहुत बड़ा अनमोल रत्न है। अगर ये संवाद को अगर कोई सचमुच से समझ गए ना, हमारे जो संप्रदाय महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आ करके ये जो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करते हैं, जो प्रेम को प्रदान करके अभी तक उसने डिफरेंट नहीं किया है, जो महाप्रभु ने प्रेम प्रदान किया है, तो ऐसे प्रेम आप लोग सुन रहे थे। जब राधा कृष्ण निकुंजन लीला करते हैं, जो ललिता विशाखा सखियाँ, राधा कृष्ण तब के भी कितने निपुण लीला करते हैं, ललिता विशाखा भी कुछ नहीं पाती, तो उसमें वो घुसती है, प्रवेश करती है राधा रानी की जो छोटी छोटी सखियाँ, जिनको मंजिल कहते हैं, ये मंजिल लोग ही समझ घुस करते प्रवेश कर सकते वो मंजिल महाप्रभु की जगत में आए और बीच बीच को देने के लिए जो कि और कहीं की उपलब्धि बन सके। अगर ये चीज को अगर हम सही सही समझ जाए ना, फिर तो हम कभी भी गौरी वैष्णव को छोड़ करके फिर इधर उधर मुंह नहीं मारेंगे, नहीं तो क्या होगा, कोई कहेगा करके है, कोई हमें कहेगा करके दूसरी तरफ से ले जाए, और हम क्या करके कह करके दूसरी तरफ से ले जाए, अरे वो कैसे बोलता है, वो कैसे बोलता है। देखो यहाँ तक भी अब सुन रहे ना, लक्ष्मी हमारी पार्टी छोड़ दो, अभी भी लक्ष्मी वृंदावन में पैर रहे थे, अभी भी वहाँ बैठ करके कठोर तपस्या कर रही है, जो प्रेम को पाने के लिए वो भी जा रही है, लेकिन हमारे टीकाकार कहते हैं कि लक्ष्मी को भी इतने दुर्लभ चीज से चैतन्य महाप्रभु ने देने के लिए की जगह बना, ये चीज को हमको समझनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इधर उधर मुंह मारते रहे, वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां मुंह मारेंगे वहां, भैया मुंह मारने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपना संप्रदाय अच्छे तरह से समझो, महाप्रभु जो कहते हैं नाम महाबाजार में आ रहे हो, जितने बड़े दानी में सबसे बड़े जो दानी हुए, अभी तक इतना बड़ा दानी कोई नहीं हुए, जैसे ब्रह्मा का एक दिन में, एक दिन मतलब दशराजा चतुर्थी को कहेंगे, जो एक बार प्रेम किए थे, अभी दो बार देने के लिए
महाप्रभु अभिषिक्त होकर जब कोई भजन करे तो प्रेम तो महाप्रभु अपने आप देते इधर उधर नहीं बह करके इधर उधर मुंह नहीं मार करके अपना जीवन में मुंह मार कर देखो कितना लिखा है इसमें तो मुंह मार के नहीं अपना कर्तव्य रखना है जैसे कि वृद्ध होता है ना कस्तूरी होता है इसके नाभि में कस्तूरी होता है लेकिन कस्तूरी अंदर में ही है लेकिन पूरा चंद्र में घूमता रहता है सुगति काम आ रहा है सुगति काम ये सुगत और तुम्हारे अंदर में ये तुम्हारे पास और प्रेम है इसलिए कहीं तुमको मुंह मारने का कोई जरूरत नहीं अगर ये चीज को नहीं समझे तो इधर भाई के इधर भाई के पास जिंदे छोड़े को तोड़ते रहो इधर उधर मुंह मारते रहो लेकिन फिलहाल तो इसलिए अपना संप्रदाय की चीज का स्थापना नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाहिते कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति विदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्री महाप्रभु से एक समस्त गौर परिकरण समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो अस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव आप सभी को यथा योग्य दंड अर्पण करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीरूप शिक्षा उसी प्यार को आज फिर से एक बार ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में भटकते हुए जीवों में कौन ऐसा भाग्यशाली जीव है जिसको सद्गुरुदेव के दिव्य प्रसाद और श्री भगवान के दिव्य प्रसाद रूपी जो दिव्य कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा है उसको प्राप्त करता है। देखिए भाग्यवान भी है और भाग्यहीन भी है। भाग्यवान कौन है और भाग्यहीन कौन है? देखो हम लोग सभी भाग्यवान हैं। यहां तक कि जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो सभी भाग्यवान ही हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पर पाई ना जाए पर लोक सवारा। सारे के सारे हैं पर फिर भी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी वो चरम फल को प्राप्त नहीं करते। क्यों? जैसे एक दूध जैसे कोई ग्वाला है किसी ग्वाले के पास उसकी खुद की गैया है और बड़ी ही सुंदर गैया है और अच्छा दूध देती है लेकिन वो इतना दुबला पतला है बिल्कुल दुबला पतला। किसी ने आकर के उससे पूछा अरे भैया तुम्हारे तो यहाँ दुधारू गाय है आप तो दूध देते वो तो दूध देती है आप दूध क्यों नहीं पान करते उसका? बोले मैं को दूध तो देती है वो पर मैं सारा का सारा दूध बेच देता हूँ। ऐसे ही भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर तो दिया परंतु मनुष्य शरीर देने के बाद भी भगवान की भक्ति किसी संत या वैष्णव के शरण में आकर के हम लोगों ने एक आधी बार सुना भी परंतु परंतु भाग्यहीनता होने के कारण हमने उस पर ध्यान नहीं दिया हमने उसको अंगीकार नहीं दिया और इधर उधर भटकते हुए चले गए। ऐसे ही जब समस्त गुरुदेव के शरणापन्न होते हुए व्यक्ति जब अपने भाग्य को देखता है कि गुरुदेव का भी सानिध्य प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर भी प्राप्त हुआ है तो फिर श्री कृष्ण प्रेम क्यों ना प्राप्त हो? लेकिन नहीं होता। इसीलिए तो अरे कई कई लोग ऐसे आप खुद ही देख लो अभी गुरुदेव खुद ही बता रहे थे कल खुद बता रहे थे गुरुदेव कई ऐसे संप्रदाय हैं जहां एकादशी नहीं की जाती और एकादशी नहीं करी जाती तुलसी जी का व्यवहार नहीं किया जाता। अरे भैया चारों संप्रदाय बहुत बृहद संप्रदाय हैं चारों संप्रदाय के हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस संप्रदाय में आए हम चतुष संप्रदाय में से एक संप्रदाय में आए। आपको पता है एकादशी के लिए कितना? अरे भैया अगर साधारण का साधारण टूथपेस्ट भी लेते हैं हम लोग तो उसमें भी पूछते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है पूछते हैं कि नहीं पूछते पूछते ना। जब साधारण टूथपेस्ट की इतनी वैल्यू है उसको भी हम जज करके वेरीफाई करके लेते हैं तो भैया हमारा जो कल्याण करेगा जो चरम फल को प्राप्त कराएगा ऐसी संप्रदाय को हम लोग क्यों ना चुने? ऐसी संप्रदाय को छोड़ करके हम लोग कहां जाएं? एकादशी परम एकादशी माधव जननी है
भक्ति जननी है, भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली है। श्री वल्लभाचार्य जी जब श्री मुरली मनोहर के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में खड़े हुए तो उस दिन एकादशी थी तो गोसाई जी ने कहा ये ठाकुर जी का भोग है, आप आरोग लीजिए। तो अब एकादशी थी तो उस दिन वल्लभाचार्य जी सोचे कि अरे एकादशी है आज, तो आज कैसे ग्रहण करूं, पर उन्होंने ले लिया हाथ में प्रसाद ले लिया। अब सोचे कि एकादशी है कैसे ग्रहण करूं, तो गोसाई लोग देख रहे थे कि देखते हैं एकादशी का पालन होता है कि नहीं। तो क्या किया, वल्लभाचार्य जी हाथ में उस प्रसाद को लेकर के खड़े रहे और पूरी रात उस प्रसाद की महिमा संस्कृत में श्री भगवान को सुनाई। सुबह जैसे ही पारायण का समय हुआ तुरंत महाप्रसाद की जय करके उन्होंने आरोग लिया। भगवान है और उनका नाम वहाँ पर प्रताप है वहाँ के भट्टाचार्य सोच रहे थे अगर इस तरह से महाप्रभु को एकादशी का दिन अगर प्रसाद खिला देना फिर हमारा बिजनेस चल जाएगा जो प्रसाद बचता है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में तो एकादशी का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते। अब महाप्रभु ग्रहण नहीं करते तो उनका भक्त लोग ग्रहण नहीं करते। वो सोच रहे थे इस तरह से महाप्रभु पर महाप्रभु शास्त्र में बताया प्राप्ति मात्र भक्तव्य प्रसाद आने का साथ साथ प्रसाद का आदर देनी चाहिए, उसको ग्रहण करनी चाहिए। महाप्रभु प्रसाद को भगवत स्वरूप मानते, महाप्रभु एक समय भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, सर्वरात महाप्रभु सोते नहीं थे, एकादशी का दिन भक्तों को कीर्तन करते थे। जब कीर्तन करते पंडितों को जान बूझ करके ना महाप्रभु ग्रहण करने पर हमारा प्रसाद मिला, इसलिए उन्होंने जान बूझ करके जगन्नाथ का प्रसाद मिलाए महाप्रभु को दिया। और महाप्रभु तो प्रसाद को भगवत स्वरूप मानते, वो प्रसाद आते महाप्रभु उनको रखा, उनको प्रणाम साधना प्रणाम किया और उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर श्लोक बताया था ना। वल्लभाचार्य जो बहुत बड़े आचार्य थे, विष्णु शांत संप्रदाय का आचार्य थे, बड़े विद्वान है, सुबह टिकार है। इसलिए जब ये महाप्रसाद आए महाप्रभु प्रणाम किया, सुंदर सुंदर स्तुतियां उधर उनको वर्णना किया, उसकी परिक्रमा की। निष्ठा स्वयं भगवान विष्णु स्वयं नारायण परीक्षा करने दिया एकादशी का दिन हम महाप्रभु भूखे है प्रसाद का खाना दो नहीं दे सकता हूँ, नहीं दोगे तो मैं 10 दिन से उठा कर घर का काम क्या कर दूंगा। भगवान बहाना बनाते हुए आज के एकादशी हम कभी एकादशी का दिन दे नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने दिया ही नहीं। भगवान स्वयं प्राण त्याग किए, जो प्राण भगवान परीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्राण जब त्याग किए, अभी प्राण त्याग किए तो उनको देना पड़ेगा था, अब दाह करना पड़ेगा। जब उन्होंने भगवान को दाह करने के लिए गए साक्षात भगवान विठल नाम स्वयं भगवान प्रकट हो ठाकुर प्रकट हो गए, मैं स्वयं तेरे को परीक्षा करने के लिए आया था एकादशी का दिन तुम महत्व अन्न ग्रहण करते कि नहीं, परीक्षा करने के लिए आया था मैं वैष्णव का सब। इसलिए भगवान भी आने पर भी वैष्णव लोगों को प्रसाद नहीं देते हैं, इसलिए एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए। गोहत्या नर हत्या भ्रूण हत्या पिता माता हत्या की 5 हत्या एकादशी का दिन अन्न रहता है, इसलिए शास्त्र ने बताया हर पाप से निष्कृति है, लेकिन एकादशी का दिन जब अन्न भोजन करना है उसका कोई निष्कृति नहीं, उसको पाप भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे कुछ संप्रदाय हो गए हैं कि श्री जी का प्रसाद श्री जी ने ग्रहण किया है, श्री जी ने ग्रहण किया, यहाँ पर भगवान कहते हैं जो प्रसाद है उसके ठाकुर ग्रहण कर सकते, क्यों भगवान है, लेकिन तो भगवान नहीं हो तुम इसको ग्रहण नहीं कर सकते, ठाकुर तो भगवान है वो ग्रहण कर सकते हैं, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए एकादशी व्रत रखनी चाहिए। भागवत में तो अंबरीश महाराज का कहना क्यों है, स्वयं नंद जसोदा कोई कहते नहीं ब्रजवासी के लिए तो कुछ नहीं, अरे बड़े सबसे बड़े ब्रजवासी नंद जसोदा जो भगवान की पिता माता भागवत में कहते हैं ना,
और दूसरी बात, और कई ऐसे ऐसे सुनने को चीजें मिलती हैं, बोले कि हम लोग कंठी पहनते हैं तुलसी की, तो जब हम लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं तो कहते कंठी उतार करके रख दे। क्यों? क्योंकि बोले ये तो श्री जी की सखी है, और सखी है तो फिर ये पवित्र हो जाएगी। अरे भैया, तुम्हारा गंदा शरीर या वो गंदा टॉयलेट इतनी सामर्थ हो गई उसकी कि जिस तुलसी को देख करके ब्रह्मा और शंकर प्रणाम करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े कपटी, बड़े बड़े दुरात्मा, अमलात्मा और बड़े बड़े पाखंडी इत्यादि देख करके, जिनको प्रणाम करके नतमस्तक होकर के परम पुनीत हो जाते हैं, परम पावन हो जाते हैं, तो क्या तुम्हारा गंदा शरीर या वो गंदा टॉयलेट, वो क्या उसमें इतनी सामर्थ हो गई कि तुलसी जी को पवित्र कर देंगे? पर पता नहीं कैसे कैसे चले इस कारण से। जैसे एक सब ना कुछ लोग बड़े कुछ खुदा रास्ता पकड़ लिया है कि वैष्णव संप्रदाय का विरोध करके, जैसे आप शौच क्रिया पे, अगर शौच क्रिया करते हैं अगर शरीर टूट गया तो क्या होगा? सीधा जब गिर जाओगे कोई बचाने वाले के पास नहीं रहेगा। पहले मैं तुलसी कटी जब स्वयं कहते हैं जिसमें बैठे में तुलसी कटी देख लोगे समझते हैं ना, ये बात ये बात नहीं, भगवान के आश्रय, भगवान के आश्रय। इसलिए कहने का मैं तुलसी कटी महापुरुष ने स्वयं ये चीज को सिखा दिया, महापुरुष सौ के क्रिया जा रहे जाते समय अपने जीवा को पकड़ रखे सिखा दे रहे महापुरुष का एक पत्र था गोपाल गुरु प्रभु आप जीवा को क्यों पकड़ के रखते हो? बोले गोपाल अभी मैं शौच क्रिया जा रहा हूँ, इसलिए आप देखना जिस समय अंतिम संस्कार होता है तो तुलसी लकड़ी को द्वारा उसको देखें, क्योंकि तुलसी पास से जब तो नहीं आते, इसलिए गले में कंठी वैष्णव लोग कभी भी अगर गले से अगर किसी तरह से कंठी मार उतर गए तो जब तक ये दो बार नहीं कहें तो तब तक पानी पीने के लिए भी मना करते हैं। क्यों? जो कुछ ग्रहण करते टच करते मिल जाता है, जो होली बोल के पवित्र बन करके आती है, इसलिए गले में तुलसी कटकी रहेगा तो तब हम पवित्र रहेंगे, नहीं तो कभी भी गले से कटकी हम नहीं उतारनी चाहिए। गले से कटकी ये सब शास्त्र का सब मना सब शास्त्र ने किया। हाँ, तो फिर इस कारण से, इसीलिए गुरु कृपा क्या है, गुरु प्रसाद, इसीलिए गुरु कृपा गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृपा क्या है? देखिए, जब श्रीमद् भागवत जी आप लोगों ने तो श्रवण की होगी मेरे गुरु जी से, अरे जब चौथा दिन हुआ तो चौथे दिन के बाद परीक्षित ने देखा, सुखदेव जी ने देखा कि भैया चौथा दिन है, अब तो कृष्ण जन्म आने वाला है, कृष्ण लीला आने वाली है, तो एक बार देख लूं जरा श्रोता कैसा हुआ है। तो एक तो कहा परीक्षित जी से कि जाइए आप जाकर के स्नान कर लीजिए, आप जाकर के जल पी लीजिए, आप जाकर के भोजन कर लीजिए। दूरा तेब पिलोले लोचन पुटई रालोक्य तो बालिकई स्त्री भी कामरि दाल शैल मनसा सानंद मानंदिता सिद्धोस्तीति नमस्कृतम पतिजनै कैश्चिन मुदा सादरम श्रीमान व्यास मुने सुतो विजयते गच्छत परीक्षित सभाम। जब कहा कि जाकर के जल पी लीजिए, तब कहा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके, हे गुरुदेव, मैंने इतना सुख भोगा है, इतना सुख भोगा है, मैंने इतने वस्त्र पहने हैं कि यदि वस्त्रों को
यदि वस्त्रों को यहाँ रखने लग जाऊं तो वस्त्रों की अंबार लग जाए, मैंने इतना जल पिया है कि कुंड भर जाए, इतना खाया है कि बड़े बड़े भोजनालय भर जाए, मैंने मैंने इतना भोग किया है कि बड़े 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 रंभा मेनका इत्यादियों की भी क्या सामर्थ्य है। लेकिन मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, इतना भोग करने के बाद भी, इतने वस्त्र पहनने के बाद भी मैं नंगा का नंगा रहा, प्यासा का प्यासा रहा, भूखा का भूखा रहा। लेकिन चार दिन उपरांत आपके दिव्य मुखारविंद से निर्जलित हुई श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य मंदाकिनी का पान किया, तब कथा मृतच्युतम, आपकी कथा आपके दिव्य मुख से जब मैंने कथा का पान किया तो मैं आपसे सच्ची कहता हूँ, मेरी जन्म जन्म की प्यास मिट गई, मेरे जन्म जन्मांतरों की भूख मिट गई, मेरे जन्म जन्मों का नंगापन समाप्त हो गया। इस कारण से गुरु कृपा गुरु प्रसाद क्या है कि जब अपने दिव्य मुख से श्री गुरुदेव दिव्य भगवान के चरित्रों का पान कराते हैं तब व्यक्ति को और कुछ पाने की शेष पाना शेष नहीं रह जाता, यही गुरु कृपा है। लेकिन कई भाग्यहीन जीव ऐसे होते हैं कि भगवान की गुरुदेव यदि करते, यदि महापुरुष कुछ समझाते भी हैं, यदि महापुरुष कुछ प्रवचन भी कर देते हैं तो वह उसका उल्टा ही निकाल लेता है। जैसे प्रहलाद जी, जब कहा हिरण्यकश्यपु ने बेटा, हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद जी से कि बेटा जरा ये बता कि तुझे सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगा, तेरे गुरुदेव ने पढ़ाया, तुझे सबसे अच्छी सार की बात क्या लगी, तब उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम मर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चै नवलक्षणाः। ये सब बताया तब ये नहीं कि इतना सुंदर दिव्य सत्संग पा करके उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, एकदम से पहले तो गुस्सा हो गया, पहले तो हंसने लग गया, क्या बहकी बहकी बात कर रहे हैं, फिर जोर से चिल्लाया, अरे पूछो जरा किसने इसको बहका दिया, कौन सिखाए गयो यही बातें बेकार की, सांची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई कृष्ण नाम की। इस कारण से भाग्यवान जीव, लेकिन भाग्यहीन जीव। अब हम लोग किसी चीज की डीमेरिट्स नहीं जानेंगे तो मेरिट्स कैसे जान पाएंगे उसकी। इस कारण से गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरुदेव और श्री कृष्ण के दिव्य प्रसाद से भक्ति लता बीज प्राप्त होती है। देखो गुरुदेव का प्रसाद क्या है, गुरु का प्रसाद क्या है, भगवान का प्रसाद क्या है। जब श्री हनुमान जी सुंदरकांड, आपने सुंदरकांड तो खूब सुश्रवण कर ही लिया होगा, सुंदरकांड के अंदर जब श्री हनुमान जी लंका गए और लंका में लड़ लुड़ा करके और जानकी जी से मुद्रिका लेकर के वापस आए, चूड़ामणि लेकर के वापस आए और जो मुद्रिका है वो दे करके आए, सीता जी को मुद्रिका दे करके आए, सुवर्णस्य च मैथिली और दत्तम श्री रामचंद्रेण सुवर्णस्यांगुलीयकम हनुमान नाटकम, जब देकर के आए और चूड़ामणि लेकर के आए, तो जब लेकर के आए तो फिर राम जी ने कहा कि हनुमान मैं तुम्हें कोई पारितोष देना चाहता हूँ, गुरुदेव की कृपा क्या है, भगवान का प्रसाद क्या है कि हमें कोई पारितोष मिल जाए। और पारितोष क्या होता है, संतः प्रसादेन संतुष्टेन पारितोषामिति संतोषः, जिस पारितोष को प्राप्त करके संतोष प्राप्त हो जाए, जिस गुरुदेव की और श्री भगवान की कृपा को प्राप्त करके जीव मात्र को जीवन में संतोष की अनुभूति हो जाए वही पारितोष है। तो भगवान ने कहा कि हनुमान मैं तुम्हें कोई पारितोष देना चाहता हूँ, तो भगवान हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या पारितोष दोगे, बोले तुम देखो सारे के सारे सुंदरकांड में सबसे सुंदर बात क्या है, पूरे सुंदरकांड किसके लिए हुए, काय के लिए पूरा सुंदरकांड हुआ, श्री भगवान का श्री जानकी जी से विरह को दूर करने के लिए, श्री जानकी जी के दिव्य शब्दों से श्री भगवान के कर्णपुटों को आच्छादित करने के लिए, यही सबसे बड़ा उपक्रम हनुमान जी ने किया है। तो जब कहा कि मैं तुम्हें पारितोष देना चाहता हूं तो हनुमान जी ने कहा क्या पारितोष देंगे, तो कहा श्री जानकी जी के विरह से युक्त हुए ये दोनों नए अश्रुबिंदुओं से लबालब भर रहे हैं, मेरा मन रोमांचित हो रहा है, आओ हनुमान मैं तुम्हें आलिंगन प्रदान करता हूं। और जब भगवान ने आलिंगन प्रदान किया वही हनुमान जी को राम जी का दिया हुआ पारितोष है। इसलिए संतः प्रसादेन पारितोषाम इति संतोषः, जिससे हनुमान जी को संतोष प्राप्त हो गया। गुरुदेव की कृपा क्या है, भगवान की कृपा क्या है, भक्ति लता बीज क्या है, जिसको प्राप्त करने के बाद जीव अपने दिव्य
अपने दिव्य युग में जीव अपने दिव्य जीवन में संतोष की अनुभूति कर लेता है, वही संत के द्वारा दिया हुआ पारितोष है। इसलिए संतः प्रसादेन पारितोषाम यस्य प्राप्ते संतोषः वही संतोष है। यही कारण है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। श्री हरे नमः। आज है ना कि किसी की पहली सैलरी आई, कोई है उसकी जॉब नहीं लग रही थी तो उसकी जॉब लग गई, पहली सैलरी आई तो उसने अपनी पहली सैलरी से कराया ना, लगा दीदी के कोई स्टाफ का कोई बंदा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा।